कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तू हर बन के स्वागत है जय जोहार है आज तो एक यहाँ संगी हो तय बैराग ले, ले भैया तय बैराग ले, ले संगी खेती किसानी बर बैराग ले, ले तय बैराग ले, ले भैया खेती किसानी बर बैराग ले, ले चना के खेती गजब हितकारी के खेती गजब हितकारी अरे ये ह तो आवे नारी अरे हरियर बेचाही संगी हरियर बेचाही संगी सुखा बेचाही जी दोनों माहितकारी ते कारी तें बैराग ले ले तें बैराग ले ले भैया चना के खेती बर बैराग ले, ले। हाँ संग हो तू हरमन के एक बार फिर स्वागत करत हूँ संगी हो चना काबुली चना खैरी चना और गुलाबी चना नानम प्रकार के चना होते हैं अब ये चना के रगबा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अगन है बहुत अगन किसान मन चना बहुत आवत है संगवारी हो चना है एक ऐसे ओनहारी है जेकर दाम हा, हमेशा उत्तम रिते औ तुमन जानता हो कि चना हा, हरियर रही तो बूट के रूप में बेचा सकत है और वो सूखा हो के बाद में ओनहारी के रूप में बेचा थे संगी वो चना के भाजी घलो बेचा थे और चना मीजे के बाद उखर जो उन भूसा है तो उन्होंने गाय घरू बन के काम आते माने चना हर प्रकार से हमर बर हितकारी होते खाए बर बहुत बढ़िया माने जाते एक हर बेसन के तुमन मजा तुमन जानबे कर दो खारा मीठा सब प्रकार के घर बनते संगी हो ओखरे स्थिति आज हम आप मन ला चना के भर चना बर चौड़ी क्यारी नाली विधि है हाँ ना वैसे तो हम चनाला आज तक के तुम जानता हो बोतर ढंग से कबू बोल लेते हैं या कबू कूड़ी मनार के बोलते हैं लेकिन एक नवा विधि हमारे कृषि विषय के जो विशेषज्ञ हैं तो उन मन खोजे हैं जै चनाला चौड़ी क्यारी नाली विधि से उन्नत खेती कैसे करे जाए है हाँ ना इ कैसे चौड़ा क्यारी होते कैसे नाली बनाते एक नवा विधि आए है और एकर से उत्पादन बढ़ते संगी हो यही विषय में चर्चा करबो और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हमें विनय कुमार नायक जी ये कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा के वस्तु विशेषज्ञ हैं तो आवाज़ इखर से हम जानकारी लेबो संगवारी हो चना के चौड़ी क्यारी न्याली विधि से कैसे ढंग से हम हाँ उन्नत खेती कर सकते थे एक ज्ञान ले से पहली आवाओ ले, ले एक छोटे से संदेश खरीफ में चूंकि धान के बाद हमारे यहाँ पर जो खेत बसता है उसमें दोमट काली और भारी ज़मीन रहती है इन सभी ज़मीनों में अलसी की खेती बड़े आसानी से की जा सकती है केवल एक ही बात का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जल भराव की स्थिति ना हो और बहुत ही बहुत ही हल्की ज़मीन ना हो दोनों अति दोनों अति दोनों एक्सट्रीम को छोड़ दिया जाए एकदम जल भराव की स्थिति ना हो और दूसरा एकदम रेतीली या कंकड़ पत्थर वाली जमीन ना हो इसके अलावा सभी प्रकार की भूमि में अलसी लेना लाभप्रद पाया गया है संदेश के बाद तुम्हारे के एक बार फिर स्वागत है संगवारी हो हम आना अभी तक के चना के बोए के दो ठन विधि जानते रहें एक तो या तो छिड़काव पद्धति से और दूसरा रहा कूड़ी से तो अभी जो आज के हमारे विषय है कि चौड़ी क्यारी नाली विधि तो ये चौड़ी क्यारी नाली विधि आय का एला सबसे पहली जानता है हमारे विशेषज्ञ से वस्तुता हम लोग जब चने की खेती करते हैं किसान भाई तो हम दो या तीन विधि से इसकी बुआई करते हैं सामान्यतः पहला है जो किसान भाई खेत की जुताई करेंगे और छिड़काव विधि से उसकी बुआई कर देते हैं दूसरा है सीड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं कतार में और तीसरी जो विधि है ये भी सीड्रिल के माध्यम से होगी लेकिन इसमें जो है हम आखिरी के जो दो फर ओपनर हैं उसमें नाली निर्माण के लिए फर ओपनर का उपयोग करते हैं जो सामान्यतः हम जब चौड़ी क्यारी नाली विधि पे आते हैं तो इसमें है कि अधिक से अधिक, अधिक अगर जल भराव की स्थिति आती है तो वो इन नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाए पानी और कम पानी की स्थिति में भी जो ये बेड है जो चौड़ी हमने ब्रॉड बेड बनाया है ये बेड जो है पानी को या जल को संचय करके रखे जिससे कि पौधों की बढ़वार के लिए पानी की कमी ना हो जब हम सामान्य स्थिति में बुआई करते हैं जो सामान्यतः जो प्रचलन में है उसमें जो अगर बारिश अधिक होने से असमय पानी गिरने से जो है उकटा रोग और सड़न की समस्या आती है जिससे कि पूरी की पूरी फसल ख़राब होने के वो रहते हैं जिससे हम किसान भाई पूरी तरह से उपज नहीं ले सकते उसी तरह से अगर कतार में भी बुआई करते हैं और कहीं जल जमा होता है तो हम जो है उपज को पूरी तरह से नहीं ले पाते और इस परिस्थिति में हमको मतलब हम, हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी उपज जो है जो आठ से दस कुंटल या बारह कुंटल तक के हम प्रति एकड़ में ले सकते हैं संगी हो चाहे ओनहारी हो चाहे सियारी हो चाहे साग भाजी हो कोनो भी चीज़ हो ओखर उत्पादन पर दो तीन बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी होते तो मैं पहली बात नहीं है कि जलवायु कौन सा होना चाहिए माने कौन से मौसम में कौन से फसल बोए जाए ये जानना जरूरी है काबर के मौसम के हिसाब के कोई हम ध्यान नहीं रखबो तो मान के चलो हमारे फसल या तो बढ़िया उत्पादन हो भी नहीं करी या हो ही न, हो तो ना बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं तो एक बार जलवायु कैसे होना चाहिए ये जो चना के जो हमारे आज की जो विषय है एक हिसाब से साथ साथ में ये भी जानना है कि हमारे जो खेत है तेल कैसे तैयार करना है कहाँ पर कि अलग अलग जो फसल होते तेखर भर खेत के तैयारी अलग होते को मांदा बनाएल पड़ते को नाली बनाएल पड़ते को खेत ला सपाट करे बर पड़ते को पानी की निकासी की व्यवस्था करे पड़ते तो ये जो आज के हमारे जो है चौड़ी क्यारी नाली विधि से जो चना बोना है तेखर भर हमारे खेत ला कैसे ढंग से तैयार करना है देखा था तुम्हारे पिछू में ये हवाए खेत है ये खे अलग ढंग से तैयारी हो है तो आवाईल जान लेते हैं वस्तुता हम जब भी मौसम के बारे में बोले तो छत्तीसगढ़ चने के लिए तो उष्ण कटिबंधी हमको चाहिए मौसम लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उसके लिए उपयुक्त है हम सभी प्रकार के चने की खेती इसमें कर सकते हैं चाहे वो देसी चना हो काबली चना हो इस तरह के और जब भूमि की तैयारी की बात आती है तो एक से दो जुताई करने के बाद अगर रोटावेटर के आपके पास है तो रोटावेटर चला सकते हैं नहीं तो पाटा चला करके भी जमीन को समतल करने के बाद हम जो हमारा बेड फरों के लिए जो सीड्रिल उपलब्ध है उससे हम इसको बेड बनाते हुए सीधे बुआई कर सकते हैं जो हमारे बेड फरो हम जिस तकनीक से बुआई करते हैं इसमें 1.8 मीटर की चौड़ाई पे हमारी बुआई होती है इसके साथ साथ जो नाली बनती है वो एक फीट चौड़ी रहती है और एक फीट गहरी रहती है। हम नाली की चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं इसको 45 सेंटीमीटर तक भी ले जा सकते हैं ताकि जल का निकास आसानी से हो जाए समय पे और जिस तरफ भूमि की ढाल है उस ओर की ओर हम इसको नाली को तैयार करते हैं संगी तो हो हमारे खेत तो तैयार हो गए अब अब जब खेत है तैयार हो गए तब का डारबो डारबोमा बीजा डारबो हम तो बीजा जो है वो बड़ा महत्तम के होते अगर बीजा अगर जिस जैन प्रकार के नहीं तो प्रकार के पौधा हुई अगर बीजा कहूँ सराहा हो गए बीजा कहूँ कुछ रहा हो गए तो बीजा जामे घलो नहीं तो संगी हो ये जो बीजा है तेन कौन सा होना चाहिए उखर का, का नाम है कौन कौन नाम के हम जो चना है तेन ये हमारा जो विधि है तेन हिसाब से चनल बो सकत हन संगे संग में बीजोपचार बीजोपचार करना जरूरी है का या बीजोपचार करे से का का फायदा हो सकत है और बीजोपचार की विधि का हो सकत है यूल जानथन संगे संग में यूहुल जानें कि हेक्टेयर के पीछू एक हेक्टेयर के पीछू चना के बीजा के मात्रा कैसे होना चाहिए काबर के अलग अलग चना के मात्रा अलग अलग होते कम कर देवो तब वो नुकसान है ज़्यादा कर देवो तब वो नुकसान है तो ये तीन चार बातला चना के बीज के मात्रा बीजोपचार और ये चना -ला कैसे बोना है कत का गहिर में बोना है आवा यूल जानी संगी सामान्यतः हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो देसी किस्में हैं उनका ही प्रचलन ज़्यादा है अभी हमने आर वी जो किस्म है उसका ही यहाँ पर प्रदर्शन लिया हुआ है आ, इसके अलावा जाकी ग्यारह जाकी चौदह इस तरह की जो किस्में हैं ये आ, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित में हैं और इसके लिए जो बीज की मात्रा है एक आ, उपयुक्त समय जो है हमारे यहाँ चने की बुआई का वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है लेकिन किसान भाई जब धान की खेती करते हैं और खेत में चने की बुआई करते हैं तो वो थोड़े आगे तक के समय चला जाता है नवंबर आखिरी तक भी वो बुआई कर सकते हैं लेकिन उस समय पे हमको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है वस्तुता इसमें पचहत्तर किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज की बुआई करते हैं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी को भी प्रयास करते हैं कि सात से पाँच से सात सेंटीमीटर के बीच में बुआई हो और जमीन में गहराई बोने के समय भी हम पाँच से सात सेंटीमीटर के लिए प्रयास करते हैं और उसी गहराई में बुआई करते हैं इस में बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है किसी भी तरह के फसलों में हम जब भी करें तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है इसके लिए हम फंग फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से इसका उपचार करते हैं जिसके लिए हम कार्बेंडाजीम और मैंगोजेब का उपयोग कर सकते हैं साथ ही साथ हम राइजोबियम कल्चर है या और ट्राइकोडर्मा इससे इसका उपचार करके ही हमको बुआई करना चाहिए बुआई करने समय जैसे हमने बीज उपचार किया तो बीज उपचार करने के समय थोड़ा हम जो है उसमें पानी छिड़क के हम वो करते हैं तो बीज गीला नहीं होना चाहिए अगर गीला हुआ तो वो ड्रिल में दांतों के बीच फंस कर टूटने का डर रहता है तो उसके लिए हमको बीच कभी भी मतलब नमी को ध्यान में रखना चाहिए अब तीसर महत्तम बात ये आगे कि अरे तुम जानता हो कि जिंदगी जत का संसार में हो है इन सब पानी के बीच में होते जी हाँ पानी नहीं है तीह जिनगानी नहीं है तो ये जो हमार आज के जो चौड़ी क्यारी नाली विधि से जो हमारे चना बोए के जो पद्धति है एमा पानी कैसे लगते बहुत पानी की विधि हम जानता लेकिन एमा पानी कत कबर लगी कौन कौन अवस्था में लागी कथका कतका मात्रा में डेल लगी और साथ साथ में यूँ जानी कि जो पानी दे के विधि है तो कौन सा अच्छा है स्प्रिंकलर अच्छा है कि नाली विधि से दिन तो ये तीन चार बात जानना जरूरी संगी हो काबर के बिन पानी के कहाँ फैसल अगर सिंचित अवस्था में आप वो कर रहे हैं तो आपको दो से तीन सिंचाई के आप कर सकते हैं और असिंचित आशीन, में है तो आप एक से दो सिंचाई मतलब कर सकते हैं पहले जैसे आपने फसल की बुआई की पहला हमने बीज डाला बीज डालने के बाद पहली हमको इसमें बुआई का पानी का व्यवस्था करना है और पहला पानी उस समय हमको देना है इसके बाद 20 से 25 दिनों के अंतर में हम दूसरा दूसरी बार पानी देंगे और उसके बाद फिर एक पानी हमको जब इसमें फ्लावर फूल आने लगते हैं उस समय पे हमको हल्का पानी देना है पानी की व्यवस्था अगर आ, हम स्प्रिंकलर है तो आ, सबसे अच्छा है कि हम स्प्रिंकलर से पानी दें और नहीं तो फ्लड में भी पानी देंगे तो हम हल्का पानी देंगे जो कि नालियों के माध्यम से भी दे सकते हैं नालियों को बंद करके उनके बीच से पानी भर के ताकि वो पौधे अपने आवश्यकता अनुसार पानी ले सकें संगी हो जैसे जैसे भोजन तैसे तैसे शरीर तो ये जो चना के हमारे जो पौधा है तेना अच्छा बढ़िया पुष्टई हुआ है रोग राई बल लड़े भर ओखर मेरे ताकत रहा है एकर जरूरी है कि चना बढ़िया से बढ़िया खाद दे जाए तो मन जाना था कि हमारे जैसे खान पान होते वैसे शरीर बनते तो चना पर कौन कौन प्रकार के खाद हमला देना चाहिए ओखर का, का का नाम है चना के खाद ला दे के का का विधि है और हेक्टेयर पाछू कथ का हमला खातू जो उन्हें तेन चना में दे बर लगी ये जानना जरूरी संगवारी हो तो अव जानी खाद प्रबंधन चना के खेती पर भूमि की तैयारी जब हम चालू करेंगे उस समय पे अगर हमारे पास पका हुआ गोबर का खाद जो कंपोस्ट है वो अगर वो उपलब्ध है तो हम बिल्कुल कम से कम दो ट्राली प्रति एकड़ में हम गोबर खाद का उपयोग करें और जब बुआई कर रहे हैं उस समय पे हम इस पर एस एस पी है और ए, यूरिया है और डी ए पी है वो मिक्स करके हम बुआई के समय कर सकते हैं और संगे संग संगवारी हो यू जानना जरूरी है कि हमार जो उन खातु हम देव थे तेनाली केवल हमारे चना के पौधा हाँ खावे दूसर जो निंदा होते खर पतवार थे नन खावाए तो वो खर पतवार अगर को हो जाए खेत में तो कौन विधि से ओल हम निकाली कैसे ओल दूरिया करीन या ऐसे कौन कौन से काम करीन जेमा हमार चना के खेत में खर पतवार ज्यादा होबे झन करे यू जान लेन संगी खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है हमको शुरुआत में ही इसमें जब हम बीज बुआई करते हैं उसी समय पे हम इसमें नींदा नाशक का प्रयोग कर सकते हैं बाद में जो है हमको यांत्रिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा या फिर मजदूरों की सहायता से हम जो बड़े खतपतवार हैं उसका नियंत्रण करेंगे किसान संगवारी हो मन अधिक दिन ले किसानी खेती करत करता था तुम जानवे करता हो कि अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार के रोग लगते थे अलग अलग प्रकार के कीड़ा लगते थे औखर बन के अलग अलग लक्षण थे तो हमारे जो चना के खेती है तेमा कौन कौन प्रकार से के जो कीड़े तेल लग थे वो कीड़ा के लगेल लक्षण का दिखते चना मन में कैसे कैसे चना बदल जते पौधा मन तेला जानना है कौन कौन से रोग लगते हुए जानना है रोग और कीड़ा अलग अलग चीज़ संगवारी हो रोग के कारण अलग होते और कीड़ा के कारण अलग होते तो कौन कौन से रोग लगते नाम ले जानी और एक तो ऐसे कोई काम करीन जैम रोग और कीड़ा कम लगे लेकिन कहूँ मान लो हमार चना के खेत में कोनो प्रकार के रोग आ गए है या कोनो प्रकार के कीट व्याधि हम आ चुके हैं तो ओला दूरिया करे बर ओला नियंत्रण में लाए बर हमला का करना है यूल जानना जरूरी है संगवारी हो कौन कौन से दवाई देन लगी दवाई के दे के विधि का अच्छा हुई दवाई के मात्रा का हो ही, यूल जान ले संगी चने में मुख्यतः हम देखते हैं तो उगटा रोग जो है वो अधिक जल के भराव के कारण से वो आता है जिससे कि पौधा पूरी तरह से सूखने लगता है ये समस्या शुरुआत से, से लेकर अंत तक भी हो सकती है और इसका सबसे साधारण मतलब तरीका जो है कि जब पानी कहीं भी भरा इस चने की फसल में तो ये वाटर सेंसिटिव क्रॉप होने के कारण से तुरंत ही अपना रूप दिखा करके पौधा जो है अपने आप खत्म होने लगता है दूसरा इसी तरीके से इसमें आता है कॉलर रॉड की समस्या ये भी अगर नमी अधिक समय तक बने रहा फसल में तो दूसरा ये चने को फसल को नुकसान करता है इसके आगे जो है इसमें जो इलिया वगैरह लगते हैं फ्लावरिंग स्टेज में या फिर फ्रूटिंग के समय पे तो हम इसमें प्रोफेनोफास का उपयोग कर सकते हैं जिसको एक लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं और इसका प्रबंधन करते हैं समय पे हमको खाद भी देना आवश्यक है जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज आने वाला रहता है उस समय पे हम जो है इस चने के फसल पे एन उन्नीस 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 का छिड़काव करते हैं जिससे कि इसके बढ़वार और पौधों जो दाने के बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है संगी चना में एक नवा बात होते चना के जो खेती होते थे करतेमा चना के भाजीला फोंके फूकला टोरते हैं और बेचते तो चना के जो भाजी है या चना के जो फोंक है तेनला टोरे से का फायदा है नहीं टोर तो का नुकसान है और टोरे में कैसे होकर पौधा बाढ़ते का होते ये हर तोड़ना जरूरी काबर होते जान लेते ना हमारे विशेषज्ञ से चने की फसल बुआई करते हैं उससे 20 से 25 दिनों में हम पहली तोड़ाई चने की करते हैं ये चने की तोड़ाई हम इसके शाखाओं को अधिक से अधिक ब्रांचिंग होने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि पौधों की बढ़वार में अधिक से अधिक शाखें आए और उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलने के लिए उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो संगी हो आज के हमारे जो विषय है कि चौड़ी क्यारी नाली विधि से चना के खेती ये विषय तो जारी रेबे करी आवाओन छोटे से संदेश मेरे साथ बोलो ए ए बी बी अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ए सी ए बी सी ए सी ए बी सी जी हाँ ए सी ए बी सी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी मिलेगी तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ए बी सी चलो अपना स्वरोजगार खेती में हो विकास अपार सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया सहकारिता है अपने विकास की पहचान कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली, चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान विपणन के लिए भी है सहायता के प्राप्त अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशियां फैलाए आत्मनिर्भर किसान भारत की शान उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीच से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी साथियों अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं छटाई या ग्रेडिंग इकाई पैकिंग हाउस सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम सात वर्ष के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है ऋण पुनर्भुगतान के लिए छह महीने से दो वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुन्द्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಭarthi ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕಾರ್ ಆಸ್પાસ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕೀ ಹೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭarthi ಶ್ರೀ ಅನುಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋಹತಾ ನೇ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಬನಾಕಾರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ आज देश के कोने कोने से किसान कृषि उद्यमी किसान उत्पादक संघ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडिया इस योजना का लाभ उठा रहे हैं संघी हो संदेश के बाद के फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं जय जोहार। अब हमारा आज के जो विषय के चर्चा है तीन लागू बढ़ावत है अब हमारे चना पाक के तैयार हो गए हैं तो चना हाँ पाके कैसे है या चना लुए के लिए गए कि नहीं होए एक का लक्षण होते ये जानना है काबर का चम बो दे वो तो वो ठीक नहीं है और को ज़्यादा सुखावत ले कहूँ खेत में रख देबो तो खेत में झिंझरी जो है तेन चना के सब झर जाते संगवारी हो तो चना हाँ काटे के लिए खर का पहचान है एक दूसरा एक लुवाई करना है तो कैसे लुवाई करना है काबर की एक अलग एक विधि होते वही विधि से लुआ लुआई करबो तब फरमन नीचे में नहीं झड़ी और संगे संग में यूँ जान लेते संगवारी हो कि ये जो चना है तेन लाख कतेक दिन में हम सही मान सकते हैं कतेक दिन में तैयार हो सकत है वस्तुता जो हमारा चना है वो 120 दिन से ऊपर की फसल है 120 से 140 दिन में अलग अलग किस्मों के हिसाब से इसकी जो है मेच्योरिटी होती है और उस समय पे हमको ये ध्यान रखना है कि जब नमी की मात्रा जो है चने में वो चौदह प्रतिशत से सोलह प्रतिशत तक रहे और हम उसकी कट कटाई कर ले ताकि जब हम उसका मिसाई और भंडारण के लिए ले जाएंगे तो 12 से 14 प्रतिशत की नमी हमको भंडारण की ओर मिले बाद बहुत महत्वपूर्ण के बात ये होते संगवारी हो हमारे चैनल हम तो लू लुवा के ले आए मीन मजाक तैयार कर लें अब वो भंडारण करके रखना और बाजार ले ये दो बहुत महत्वपूर्ण के बात है कुछ लग बाज़ार में घरों बेचतन कुछ लगन घर में रखथन तो एक भंडारण करे के तरीका का हो सकत है चना हाँ कथ कल सुखाए रही तेन लग भंडारण कर सकते कैसे हम ये जानबो कि चना सुखा गए भंडारण के लिए हो गए भंडारण के बेर में तापमान जोन है तेन कैसे होना चाहिए कैसन जगह में होना चाहिए ओखर जो उन बोरा है तेन बोरा मन के सिर है वो ज़्यादा हवा जाते जाए जाने वाला होना चाहिए कि नहीं जाने वाला होना चाहिए ये जानना जरूरी है और संगे संग में यू जान लेते संगवारी हो तू मन जाना था कि किसान मन के नगदी पैसा जो उन्हें तेन ऊनहारी छदे थे तो एकड़ पाछू हमारे खर्चा कत का हो सकत है कत का हमला शुरू से लेकर आखिर तक के दवाई पानी मजदूरी सब मिला कर के बीजा उजा सब मिला कर के कते के एक अनुमानित खर्चा हो सकत है और कत का एक हमला फ़ायदा हो सकत है हम कतका कन बाज़ार में ले जाके बेचबो कौन भाव के हिसाब से तो हम कतका फ़ायदा हुई यूल जान ले संगवारी चने की जब हम मिसाई करने के बाद जब हम चना साफ़ सुथरा हमारे पास उपलब्ध है और जिसको हमको एक सुरक्षित स्थान पर भंडारित करना है तो जो भंडारण के लिए जो स्थान है वो हवादार होना चाहिए और वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए सूखा बहुत सूखा होना चाहिए उस जगह को अच्छे से अगर किसान भाई घरों में करते हैं और कच्चे घरों में करते हैं तो थोड़ा गोबर वगैरह से लीप के चूने की पोताई करके उसको रखें उसके बाद जो है नमी की मात्रा भंडारण के लिए चने के 12 से 14 प्रतिशत ही होनी चाहिए जब हम चने को एक जगह भंडार रख लें उसके बाद उसको पूरी तरह से ढक करके किसी भी तरीके से उसमें हवा और नमी नहीं जानी चाहिए किसान भाई अगर समय पे बुआई करते हैं तो 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हैं और अगर देर से बुआई हो रही है तो 100 किलो या 120 किलो तक भी जा सकते हैं ये समय पे निर्भर करता है दूसरा चीज़ इस चने की खेती पे प्रति हेक्टेयर हमको बीस हज़ार से पच्चीस हज़ार तक की लागत आ सकती है और जो हमारा लाभ है इसमें कम से कम हम पैंतालीस से पचास हज़ार प्रति हेक्टेयर लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो संगी हो आज हम देखें एक नवा विधि के हम जानकारी ले हन अब तक के हमन बोता और कुड़ी विधि से चना बोत रहन लेकिन आज हम चौड़ी क्यारी नाली विधि से चना के खेती कैसे करे जाए जाने हैं मतलब पूरा विश्वास है कि आज के जो बताए विधि है तेखर तुम फ़ायदा उठाओ और अपन उत्पादन बढ़ाओ संगवारी हो और अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके हम आपके सेवा में हाजिर होबो तलगस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार